वही छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत सांकरा जोंक बीजेपुर में चल रहे डामर प्लांट के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भूषण साहू अपने साथियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी परिसर के बाहर धरना देंगे, जहां आवेदक भूषण साहू ने डामर प्लांट को अवैध बताते हुए कहा है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर इस प्लांट का संचालन किया जा रहा है। मैं सांकरा जोंक नदी के किनारे जो अवैध डामर प्लांट चल रहा है उसके खिलाफ आवेदन दिया था बंद करने के लिए। जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था उसमें कार्रवाई नहीं की गई, उसके खिलाफ मैं कल धरना में बैठ रहा हूँ। अगर धरने में बैठने के बाद भी कार्रवाई नहीं तो क्या करेंगे आप आगे? धरना में जब तक मैं बैठा रहूँगा जब तक कार्रवाई नहीं होता तब तक। पहले भी मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है जाँच के लिए, और इस वक्त जो इनका ये जो आवेदन है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से भी हमारे पास आया है। ये प्रक्रिया है, इसमें जांच रिपोर्ट बनकर और जाएगी और इसमें जो भी निर्णय होगा फिर उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी उस डामर प्लांट के विरुद्ध जो है स्थगन आदेश इस कार्यालय से गया था, क्या कारण रहा कि इसमें जो है स्थगन आदेश जो हटाया गया? देखिए, जिन आधारों पर शिकायत लगी थी या जो भी आधार लगे थे उन आधारों के आधार पर ही जो शिकायतकर्ताओं ने मूल ने चूँकि जनहित को देखते हुए अति आवश्यक कार्य के लिए यूज़ हो रहा था तो वो आवेदन हमारे पास आया, उस आधार पर इस स्थगन को हटाया गया है। इसमें जो मूल प्रकरण है जिस बात को लेकर के बात आ रही है कि जमीन के मद को लेकर, वो मामला समाप्त नहीं हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमको भेजने थे जो हम भेज रहे हैं जांच बना करके। इस मामले में आवेदक का भी कहना था कि पहले में जो है सेवा भूमि थी उसके बाद कृषि मद में परिवर्तन किया गया है जी। उसमें व्यवसायिक भूमि नहीं होने के वजह नहीं होने के बाद भी वहाँ पर जो है व्यवसायिक पर मतलब प्लांट चलाया जा रहा है, हॉट मिक्सिंग प्लांट चला है। देखिए, ये जो मामला है ये शुरुआत ही शिकायत के आधार पर हुई थी, तो जिस आधार पर शिकायतकर्ताओं ने शिकायत लगाई थी उन्होंने ही एक आवेदन प्रस्तुत करके कि चूंकि जनहित का कार्य है और जमीन का जो मूल मामला है जिस बात को लेकर मद की बात आ रही है तो वो मद अभी मामला समाप्त नहीं हुआ है। उसमें जो जिला कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें जो जानकारी तथ्यात्मक चाही गई थी वो पुनः हमने संग्रहित करके वापस हम भेज रहे हैं, तो उस पर जो निर्णय होगा, जो भूमि का मेन पर्पस होता है जो लैंड यूज होता है वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो हम अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लांट वाली बात थी ये चूंकि जनहित का मामला था और मात्र कुछ समय के लिए ही संचालित होना था इसलिए इस पर से स्टे हटाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना इससे प्रभावित हो रही थी। अभी वर्तमान में भी ग्राम पंचायत द्वारा दी गई एनओसी की तिथि भी खत्म हो गई है और पंचायत द्वारा बोलने के बावजूद भी उस डामर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। पंचायत के द्वारा अभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, ये पूर्व में जो भी रहा होगा लेकिन अभी वर्तमान में पंचायत के पास मेरे आवेदनकर्ता की ये शिकायत भी उसमें संलग्न है। हाँ, लेकिन नहीं उसमें आपत्ति नहीं आई है। कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा और कब तक डामर प्लांट? बस रिसेंट हम जल्दी ही कर लेंगे, जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास ग्राउंड से हम तुरंत इस पे कार्रवाई करेंगे। पंचायत सचिव के द्वारा गांव से प्रस्ताव भी नहीं लिए गए और एनओसी जारी की गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमने पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं तो चेक।